दोस्तों, मैं हरेंद्र बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। आज जो हम अनबॉक्स करने वाले हैं Redmi Note 7 Pro, जानता हूं काफ़ी पहले लॉन्च हो चुका था, लेकिन इसके अंदर एक हमें अमेजिंग प्राइस ड्रॉप अभी देखने को मिल रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या इसकी प्राइस रहेगी और कितनी प्राइस पहले थी और कितनी अब मिल पाएगी, क्या इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन है, क्या ये फ़ोन हमें लेना चाहिए, इसके अंदर बॉक्स कंटेंट क्या होता है, पूरा हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, शुरू करते हैं। और आप नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेकर आने की हिम्मत मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हुए देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिल पाता है। बॉक्स अनबॉक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए करते हैं। और आपको बता दूँ, मैं खड़ा हूँ MI स्टोर चिड़ावा के अंदर। इसके चिड़ावा के अंदर ये स्टोर जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने पिलानी रोड पे अवेलेबल है। एक इन्हीं का स्टोर जो है वो गोल मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अमेजिंग ऑफर देखने को मिल पाएंगे और स्क्रीन गार्ड और आपको जो बैक करो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाएगा, जो आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ी बात ये है, जो इंडियन कस्टमर को चाहिए होती है, हमें फेस टू फेस बात करनी होती है, कुछ फ्री चीज़ें चाहिए होती है कोई भी यदि हम शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टोर में ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी, ऑनलाइन आपको शायद तक ये ना मिल पाए। तो चलिए इस फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हो। तो ये रहा हमारा Redmi Note 7, 48 मेगापिक्सल कैमरा इसके अंदर लिखा हुआ है। पीछे यदि हम इसके अंदर देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन, तो 48 मेगापिक्सल का जो है ड्यूल रियर कैमरा सेटअप इसके अंदर देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल क्वालकम का स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर देखने को मिलता है और 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है विद वाटर ड्रॉप नोट्स के साथ। 4000 mAh की इसके अंदर बैटरी हमें देखने को मिल जाती है, मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जो आप स्पेसिफिकेशन है वो इसके पोज करके देख सकते हैं। मैं ज़्यादा देरी नहीं करते हुए मोबाइल को अनबॉक्स करता हूँ। ये इसके अंदर हमें जो है ट्रांसपेरेंट सिलिकन का बैक कवर देखने को मिल जाता है। और इस पर जो है सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो है फिजिकल फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता है। ये हमारी डिवाइस है और डिवाइस क्या है बस पूछो मत, पीछे ग्लास फिनिश मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ पे 48 AI ड्यूअल कैमरा की ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पे Redmi की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है, मतलब कि धमाकेदार फ़ोन लग रहा है। फील एंड गुड बहुत अच्छी, काफ़ी लाइट वेट है इसके अंदर। यहाँ पे जो हमें वाटर ड्रॉप नोज देखने को मिल जाती है, 3.5 mm ऑडियो जैक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है और ये इंफ्रारेड सेंसर इसके अंदर यहाँ पे दिया गया और सेकेंडरी माइक यहाँ पे मिल जाते हैं नॉइस कैंसलेशन के लिए। और इस फ़ोन में भी हमें USB Type-C चार्जर विद हेडफोन जैक दोनों मिल रहा है, भाई कमाल की बात है। स्पीकर ग्रिल इसके अंदर दोनों साइड स्पीकर ग्रिल दी गई है। यहाँ पे सिम ट्रे हमें मिल जाते हैं, तो इसके एक बार थोड़ा सा हम खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर जो हमें सिम ट्रे है उसके अंदर अलग से डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो ये इसके साथ चार्जर दिया गया है, चार्जर आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये फास्ट चार्जर तो नहीं है क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। तो एक बार इसके अंदर देख लेते हैं सिम ट्रे को ओपन करके। कि क्या इसके अंदर हमें डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिल पाता है। हमें इसके अंदर डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है। या तो आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ड्यूअल सिम यूज़ कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। ज़्यादातर फ़ोनों के अंदर हमें यही देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो है मतलब कि इसके अंदर एक्सपेंडेबल मेमोरी है अप टू 256 GB तक का, आप जो है मेमोरी कार्ड इसके साथ यूज़ करके और इसकी मेमोरी एक्सटेंड कर सकते हैं। वैसे इसकी मेमोरी भी जो है हमें 4 GB रैम के साथ 64 GB इंटरनल स्टोरेज इसके अंदर मिल जाते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ मेरे को नहीं लगता मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, आप बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के क्या आप अभी भी मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके फ़ोन की स्टोरेज हो चुकी है लगभग सभी फ़ोन की जो है 64 GB यूज़ हो चुकी है। और मेरे को नहीं लगता 64 GB के साथ यदि आपको नॉर्मल यूज़ के लिए आपको मेमोरी कार्ड यूज़ करना चाहिए।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके, और हम आपके लिए ऐसे ही कमाल के अनबॉक्सिंग लेके आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।